आपका क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली शो दैट दीस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल दीस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो हाइट हम लोग कैसे मेजर करते हैं? सपोज ये हमारा एक ग्राउंड है तो, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हाइट ऐसे नापी नहीं जाती है। हाइट नापी जाती है इट्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इट्स मेक 90 डिग्री। तो यही हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है हमको, इसने जो बोला आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, दैट मीन्स एक ये क्या है हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो गिवन में हमारा क्या आ जाएगा? आइसोसेलस ट्रायंगल। गिवन में इसने दे दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसीलिए दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब और बी ई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स, ये भी सही है। शो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव क्या करना है हमको, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ये दोनों प्रूव करने हैं हमको। तो हम कैसे ट्रायंगल लेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे ए ई बी। इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक यहां से लेके यहां तक ऐसा वाला, एक ये वाला। तो इसके अंदर हमारा क्या है, सबसे पहले तो एंगल ए इज कॉमन, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज कॉमन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल। ठीक है, उसके बाद आपका साइड्स, जब ये ट्रायंगल लोगे आप ऐसे करके, तो ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमारा आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलस ट्रायंगल पहले से दिया हुआ है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, इट्स अ साइड। और ये दोनों बी ई अल्टीट्यूड्स है, तो दे आर मेकिंग 90 डिग्रीज हर एक ट्रायंगल के अंदर। तो हमारा क्या है, ये ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्यों? दे आर अल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल। तो बाई ए एस ए, बाई ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल हमारा क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी कि ये वाले। तो ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया है, नाउ वी कैन मेक बी ई इज इक्वल टू सी एफ। नाउ बी ई इज इक्वल टू सी एफ, दैट इज सी पी सी टी। ठीक है, देयरफॉर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल।
ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, शो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, एंड दूसरा क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसने जो बोला है पहले हम वो कर देते हैं, इसने क्या कहा कि बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल अल्टीट्यूड्स, बी ई इज इक्वल एंड सी एफ इज इक्वल, और अल्टीट्यूड है तो दे आर मेकिंग 90 डिग्री टू द बेस दैट इज ए सी, और सी एफ कहां पर बनाएगा 90 डिग्री टूवर्ड्स द बेस ए बी। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल लेंगे ए एफ सी, ये एक ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए ई बी, तो इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ए एफ सी, दो ट्रायंगल हमने ले लिए, एक यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि एंगल एफ और ई दोनों 90 डिग्री है, तो क्योंकि ये अल्टीट्यूड है तो सेम चीज हम लिख लेते हैं, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो ये हमारा क्या हो गया एंगल। दूसरा आप देखोगे दोनों के अंदर एंगल ए इज कॉमन है ना, तो ये लिख लेते हैं हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिर से एक ए। अब आप देखोगे दोनों अल्टीट्यूड्स हमारे सेम है एज पर क्वेश्चन है ना, बी अल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल दैट मीन्स बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, तो वही हम लिख देते हैं बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यहां पर लिख सकते हो आप गिवन, तो ये हमारा हो गया साइड। तो बाई ए ए एस by a a s congruent rule आपका क्या हुआ, दोनों triangles congruent हो गए, तो ये दो triangle हैं हमारे, triangle a e b is congruent to triangle a f c, ये triangle है। ठीक है, तो अगर ये congruent हो गए हैं अब आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर, हमने क्या किया ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमने किया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में आगे लिखोगे सी पी सी टी, क्या होता है करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो हमने साइड इक्वल कर दी। अगर आपने दो साइड्स इक्वल कर दी एक ट्रायंगल की, अगर फुल ट्रायंगल आप लेते हो तो आपका क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। It's an isosceles triangle. ठीक है।